है, लेकिन हमें ये सूचना मिली है कि काफी समय से इस प्रकार के मामले में संदिग्ध सर है। इसकी इसकी वैल्यू मतलब ये कितनी होगी कि 30 किलो जो अमरनाथ? मार्केट वैल्यू क्या होगी सर? देखिए, जो ये पूछताछ में ये सामने आया कि ये पर केजी 1,25,000 रुपये पे करके आए हैं, और आगे यहाँ बड़े और ज़्यादा महंगे दामों पर यहाँ ला करके सप्लाई करते थे पटियाला के आसपास के एरिया में। तो यहाँ ड्यूटी पे भी इस मजिस्ट्रेट की तरीके की नियुक्ति में कार्रवाई सर जारी तलाशी ली गई थी रहेगी सर? सर जब मौके पे तलाशी ली गई, तो जब हमारे जीएम रोडवेज हैं उनको, जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनको मौके पे बुलाया गया था और उनके सामने तलाशी की गई थी। सर आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि नशे के मामले करनाल हो या आसपास के जिले राज्यों वहाँ ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, नशे के जितने भी संगठित जो गिरोह हैं और जो अंतर्राज्यीय नशा तस्कर है, इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी कोई भी युवा पीढ़ी इस प्रकार के नशे के गर्त में ना जाए, और जिला पुलिस की जो भी इसमें दायित्व बनता है उसको अच्छे ढंग से निभाया तो जाए। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अब मामले की अभी हम जहाँ जारी है, हम ये चाहते हैं कि हम इस माम जो भी ओरिजिनल सप्लायर जो अफीम के हैं, जो गुवाहाटी से बताया जा रहा है, उसको अरेस्ट किया जाए और इनकी जो संपत्ति है उसकी भी जाँच की जाए, और मामले में इसमें कौन कौन संलिप्त हो सकते हैं उनको भी शामिल जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई सर जो ट्रक में पकड़ी गई वो किस स्थिति में थी, कैसे मतलब? देखिए, जो ये ऑलरेडी हमने एफआईआर में डिटेल में हमारी टीम ने मेंशन किया हुआ है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो दोनों व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके कब्जे से ट्रक और माल दोनों बरामद।